सो हम असाइनमेंट डिस्कस करना शुरू करते हैं कल से, कल का चौथा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों ने बिल्कुल दे वर नॉट एबल टू मेक, जो उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाए थे, उसमें मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में सबको प्रॉब्लम आई है, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया इसका, आई एम सॉरी फॉर इट, हल्का सा इसका लेवल ऊपर चला गया था क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कल के असाइनमेंट का, कि आगे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, उसके बाद तो आप सॉल्व करिए देखें। ठीक है, चलिए। इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, और उसका एक इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। तो पहले हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म समझते हैं कि ये सेट क्या है। ठीक है, सेट ए कह रहा है, सेट ए ये बात कह रहा है कि ये सेट ऑफ एक्स है, वो एक्स जो रियल नंबर्स हैं और उनका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 है। तो मॉड्यूलस क्या होता है किसी भी नंबर का? मॉड्यूलस होता है उसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो उससे छोटी हो। मॉड्यूलस होता है वो इंटीजर वैल्यू वैल्यू जो उससे छोटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ 1.5, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? आई थिंक 1 लाइन आल्सो जॉइन, आई थिंक वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम, सम पीपल आर मोर जॉइन, 2 मिनट्स और जाते हैं।